आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, लेकिन विजेता बनने के लिए आपके पास जीतने का प्लान, जीत की तैयारी और जीतने की आशा होनी चाहिए। अगर आप खुद को विजेता की तरह नहीं देखते हैं तो आपका जीतना भी असंभव है। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आज का हमारा टॉपिक है विनिंग एटीट्यूड, यानी जीतने का तेवर। आपका तेवर जीतने के लिए कैसा होना चाहिए, सफलता पाने के लिए आपका तेवर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सफलता पाने के लिए विनिंग एटीट्यूड का होना बेहद ज़रूरी है। जंगल में शिकार करते समय चीता अपने अद्भुत रफ्तार, अपनी चपलता और अपनी अचूक मारक क्षमता के ही वजह से विजेता नहीं होता है, बल्कि वह यह मान के चलता है कि हिरणों के झुंड में से एक शिकार उसका है, सिर्फ उसका। इसलिए जब आप किसी चीज़ को मान लेते हैं कि वो चीज़ आपकी है और पूरी तरह से दिल से मान लेते हैं तो वो चीज़ आपके होके रहती है, क्योंकि आप उसको पाने के लिए 100% एफर्ट लगाते हैं और आप सफल होते हैं, आप विजयी होते हैं। बात सन 2002 की है। इंग्लैंड की टीम इंडिया टूर पर थी। इंग्लैंड की टीम 3-2 से पिछड़ रही थी। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में फाइनल मैच था और भारत को जीतने के लिए 6 बालों पे 11 रन की ज़रूरत थी। क्रीज पर थे हेमांग बदानी और अनिल कुंबले, दोनों ने मिलके 3 बालों पे 5 रन बनाए और अगली बाल पे अनिल कुंबले रन आउट हो गए। इसके बाद अंतिम विकेट पारी संभाली जवागल श्रीनाथ ने और अगली बाल पे एंड्रू फ्लिंटाप ने जवागल श्रीनाथ को बोल्ड मार दिया। बात यहीं तक थी तो ठीक थी, लेकिन एंड्रू फ्लिंटाप ने उस मैच का सेलिब्रेशन अपनी जर्सी को उतार कर फील्ड पर लहराते हुए किया था। उसके बाद भारत की बारी, भारत का इंग्लैंड दौरा और नेटवेस्ट ट्रॉफी में ट्राई सीरीज, श्रीलंका पिछड़ चुका था। लॉर्ड्स के मैदान पे फाइनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन बना डाले थे, बहुत बड़ा स्कोर था उस टाइम का। शुरुआत बड़ी धमाकेदार तरीके से वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने किया, दोनों ने मिलके 101 रन ठोक डाले। उसके बाद पहला विकेट गिरा और 146 रन पहुंचते भारत के 5 विकेट, सचिन तेंदुलकर 14 रन बनाकर पैवेलियन रवाना। भारतीय दर्शकों की उम्मीदें टूट चुकी थी, ज़्यादातर लोगों ने अपने टीवी के सेट्स को ऑफ कर दिया। पारी को संभाला दो नौजवानों ने, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने। दोनों की आंखों में, दोनों के जहन में वो घटना चल रही थी जब फ्लिंटाफ ने पूरे मैदान पर अपने टी शर्ट को उतार कर दौड़ लगाई थी। दोनों ने आराम से पारी को संभाला, विनिंग एटीट्यूड को अपने रखा और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप 121 रनों की लगा दी। उसके बाद 69 रन्स बनाकर युवराज सिंह आउट हो गए, पारी को संभाला मोहम्मद कैफ ने और भारत ने वो मैच बड़े ही अच्छे अंदाज में 2 बाल शेष रहते जीत लिया। बात यहाँ तक तो ठीक थी। इसके बाद सौरव गांगुली, जिनको वो हार चुभ गई थी वानखेड़े स्टेडियम में जब फ्लिंटाफ ने अपनी टी शर्ट को लहराया था, गांगुली ने अपने टी शर्ट को उतारा और हवा में लहरा दिया। इंग्लैंड को उसी की भाषा में जवाब दिया गया था, उसी की भाषा में एक आक्रामक क्रिकेट, अजेय एटीट्यूड, विजेता एटीट्यूड, हिंदुस्तान का विजेता एटीट्यूड। जीत जीत और सिर्फ जीत, जीत के अलावा कुछ भी नहीं। ये एग्रेसिवनेस गांगुली ने भारतीय टीम को दिया और आज भारतीय टीम विश्व चैंपियन है। तो विनिंग एटीट्यूड आपको अवश्य सफलता दिलाती है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सफलता के लिए एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।